बसमिल्लर अल्लाम मैं एडवकेट मोहम्मद हमज़ा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटी में खुश आमदीद कहता हूँ इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ट मैटर्स को अनलॉक करते हैं आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे लॉ ऑफ प्री एम्पन या राइट ऑफ प्री एम्पन होता क्या है इसकी बेसिक डिमांड्स क्या क्या हैं और शफा की अकसाम कितनी होती है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन आप हजरात को बासानी मिल सके तो व्यूवर्स सबसे पहले हम ये जानते हैं शफा या ला ऑफ प्री एम्पन होता क्या है according to punjab preemption act 1991 it is the right of an owner of immovable property to acquire by purchase on other immovable property which has been sold to another person in other words under this right owner is एन टाइटल टू री परचेज एंड एडजशन प्रॉपर्टी विच हैज़ बिन सोल्ड टू समन एल्स मतलब शफा हमेशा गैर मनकूला जायदाद इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है अगर किसी आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो इस प्रॉपर्टी को खरीदने का सबसे पहला हक नेबर का होता है क्योंकि मलहिका प्रॉपर्टी को ख़रीदने का असल हकदार पड़ोसी है ताकि इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो अगर ये प्रॉपर्टी कोई अजनबी ख़रीद लेता है जिसको ये जानता तक नहीं उसको नाकबिल तराफ़ी नुकसान हो सकता है क्योंकि खेतों में अक्सर फैमिलीज़ का आना जाना लगा रहता है शुफा हमेशा ज़रा ज़मीन पर एक्सरसाइज होता है कमर्शल या सकनी जायदाद पर बहुत कम शुफा एक्सरसाइज़ होता है इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर शरीके खाता की पेंग कैपेसिटी है तो इस ज़मीन को लाजमी तौर पर वो खरीदे तो विवर्स ये प्योर इस्लामी कानून है ये इंग्लिश लॉ से नहीं लिया गया है इसलिए नबी सल्लल्लाहु अक्रम स की बहुत सी अहदीस से मनकूल है कि पड़ोसी को शफा का हक हासिल है तिरमजी शरीफ सही बुखारी सही में इन तमाम किताबों में शफा की अदीस मौजूद है ये कानून पूरे बरसगीर में खसूस पाकिस्तान और इंडिया में एक्सरसाइज होता है तो वीवरस अब हम हक शफा रखने वाले इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं और इनकी अकसाम कितनी है नंबर वन शफी शरीक नंबर टू शफी खलीत नंबर थ्री शफी जार अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्स ऑफ पंजाब प्री एम्पन एक्ट 1991, तो हम सबसे पहले पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं वो है शफी शरीक अ पर्सन हु इज़ अ को ओनर इन दर्प ऑफ अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड एक ही खाता में शेयरर मसलन दो भाई हैं उनकी ज़मीन इस खाता में मुलिका है और ब्लड रिलेशन भी है लेकिन जब एक भाई अपनी ज़मीन सेल करेगा तो दूसरा खरीदेगा यह राइट इस्लाम और कानून दोनों ने नेबर को दिया है अगर ज़मीन सेल करने वाला अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को फरोख्त कर देता है तो फिर नेबर शफा का हक रखता है प्री एम्प्टर शफा का दावा कोर्ट में दायर करके मतलब प्रॉपर्टी वापस खरीद सकता है अब हम नंबर सेकंड की बात करते हैं शफी खलीद इट इज अ राइट ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी इज एंड टाइटल टू परचेज ड्यू टू राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर एंड राइट ऑफ इरिगेशन। अगर इस खाते में किसी दूसरे आदमी की जमीन बजरिया पानी वाला खाल या रास्ता से लगती है तो शफी खलीद को भी शुफा करने का मुकम्मल हक हासिल है यह कोर्ट में शफा के दावा को साबित करके जमीन वापस खरीद सकता है याद रखें जमीन हमेशा बिक जाने के बाद ही शफा का केस कोर्ट में दायर होता है अब हम थर्ड पॉइंट शफी जार की बात करते हैं आ परसन हु हैज राइट ऑफ प्री एम्पन ऑफ ओनिंग एडजेसेंट टू दी इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड अगर इस आदमी की जमीन शफी शरीक के सेम खाता में पड़ी है मतलब खाता एक ही है तो शफी जार को भी शफा करने का हक हासिल है लेकिन इसका राइट शफी शरीक, शफी खलीस से बेकदर कम होता है अगर कोर्ट में दो शफी दावा दायर कर देते हैं तो कोर्ट इनको बराबर बराबर खरीदने का हुक्म देती है मतलूबा प्रॉपर्टी को डिमांड ऑफ प्री एम्पन सेक्शन थर्टीन ऑफ पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। हक शफा के दवा को साबित करने के लिए तीन बेसिक डिमांड्स का पूरा होना बहुत ही जरूरी है अगर इनमें से एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई तो दावा कोर्ट में कभी भी डिग्री ना होगा तो नंबर वन पे आता है तलब मुआबत नंबर टू तलब अशहाद नंबर थ्री तलब खसूमत नंबर वन तलब मुआतबत, इमीजिएट डिमांड जंपिंग डिमांड अब एक प्रॉपर्टी सेल होगी है जिसका पता किसी और शख्स से चला है इसलिए अब शफी शरीक या शफी खलीद या शफी जार का राइट ऑफ प्रीएम्पशन एस्टेब्लिश हो गया है प्रीएम्प्टर कोर्ट में दावा हक शफा दायर करके साबित करेगा कि फलां साल फलां महीने फलां दिन फलां तारीख़ फलां टाइम फलां जगह पर हम बैठे हुए थे फलां फलां गुआहन की मौजूदगी में फलां शख्स ने ये बताया के फलां बंदे की प्रॉपर्टी जो आपके साथ मूलिका थी सेल हो गई है तो मैंने दर्ज जैल गुआन की मौजूदगी में फ़ौरी उस ज़मीन को ख़रीदने का इजहार किया था और ये ज़मीन मेरे बिल्कुल साथ है ये मैंने ख़रीदनी है अगर मैंने ये प्रॉपर्टी ना ख़रीदी तो मुझे नाकबले तलाफी नुकसान हो सकता है और मेरी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो सकती है नंबर टू तलब अशहाद डिमांड बाई एस्टैब्लिशिंग एविडेंस आपने तलब मुआबत का तमाम अहवाल लिखकर चौदह दिन के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड के साथ प्रॉपर्टी खरीदने वाले को पोस्ट ऑफिस के थ्रू बजरिया रजिस्ट्री नोट्स भिजवाएं। एक नोट्स की कॉपी अपने पास भी रखें पोस्टमैन भी आपके दावा में बतौर गवाह पेश हो सकता है नंबर तीन तलब खसूमत डिमांड बाई फाइलिंग अ सूट जिस तारीख से सेल डीड के मुताबिक रजिस्ट्री या इंतकाल हुआ है उस तारीख से चार माह मतलब 120 दिन के अंदर अंदर शफा का दावा दायर करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपको प्रॉपर्टी सेल होने का पता तक नहीं चला तो कब्ज़ा डिलीवर होने के चार माह के अंदर अंदर आपने दावा कोर्ट में शफा का दायर करना है या जिस मोड से आपको पता चला है कि ज़मीन सेल हो गई है जिस दिन से पता चला है उस दिन से चार माह के अंदर अंदर आपने शफा का दावा कोर्ट में हर हाल में दायर करना है तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि एसेंशियल नोट्स क्या होते हैं नंबर वन शफा का दावा दायर करने के एक माह के अंदर अंदर सेल डीड के मुताबिक वन थर्ड रकम का हिस्सा कोर्ट में जमा करवाना बहुत ही जरूरी होता है मसलन अगर एक ज़मीन तीस लाख में सेल हुई है सेल डीड के मुताबिक इसका वन थर्ड हिस्सा दस लाख जमा कराना कोर्ट में ज़रूरी होता है अगर ये रकम कोर्ट में जमा ना हो सकी तो आपका दावा ख़ारिज भी हो सकता है नंबर दो पर हम बात करते हैं आप सेल डीड में ज़्यादा रकम बिल्कुल ना लिखवाएं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि रकम ज़्यादा लिखवाएंगे तो पड़ोसी शफा का दावा दायर नहीं करेगा क्योंकि ये तो वन थर्ड हिस्सा कोर्ट में जमा ना करवा सकेगा लेकिन प्राइस ज़्यादा लिखवाने से टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ सकता है नंबर थ्री पॉइंट है जब पी एम्प्टर प्रॉपर्टी वापस खरीदेगा तो वो तमीरत का तमाम खर्चा भी वापस करने का पाबंद होगा नंबर फोर पॉइंट पर है सूबाई गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट सरकार रफाई अमा की ज़मीन पर हक शफा नहीं होता नंबर फाइव है प्री एम्प्टर अगर फौत हो जाए तो इसके लीगल हेयर्स मतलब वरासा फ़र्दर केस को आगे परसों कर सकेंगे सो so फ्रेंड्स आज हमने राइट ऑफ प्री एम्पन मतलब शुफ़ा पर डिटेल में बात की है अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्याल का इजहार भी करें थैंक्स फॉर हाफिज़